धर्मपुरी क्षेत्र में तबाही वाली बारिश के बाद अब जब नर्मदा का जल स्तर कम हुआ तब कई आशियाने उजड़ गए, कई लोगों के घर जमींदोज हो गए तो कई लोगों के घर का सामान पानी में बह गया। कई व्यापारियों का लाखों रुपए का सामान भी बह गया और पानी लगने से खराब हो गया। अब जब प्रभावित लोग सड़कों पर उतरे और मुआवजे की मांग की तब प्रशासन ने अलग अलग टीमें गठित कर सर्वे करवाया। हालांकि प्रभावितों को उनके नुकसान की पूरी भरपाई शासन प्रशासन कर पाएगा या मात्र सर्वे करवा कर ही इतिश्री होगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। भारतीय न्यूज के लिए धर्मपुरी से जफर अली की रिपोर्ट। आपका नाम? क्या क्या नुकसान हुआ आपका? मेरे देन दाजे की मेरी छोरी की पेटी चली गई, बिस्तर पेटी, उसमें रकम भाव देन दाजा सब था। मेरी सारी गृहस्थी भे गई, सारा मेरा सामान भे गया, कुछ भी नहीं है। बस ये आंका जोड़ा लेके खड़ी हूँ मैं तो, बस कपड़े भी नहीं है जो मैं मंग के पहन लूँ किसी से। आपका नाम? रानी। क्या नुकसान हुआ आपका? मेरी गैस टंकी चली गई, गाँव का एक क्विंटल गाँव थे, गैस की टंकी भरे हुई थी, मेरे बर्तन ठीकरे, बच्चों के कपड़े लत्ते सब कुछ चला गया, मेरा पंखा कूलर घर देख लो के ना, शक्कर पत्ती गाँव अनाज कई कुछ भी नहीं, खाने का सामान ले गए हम, सिर्फ हम सामान को छोड़ के हम चले गए, बस आला सामान यही भरा हुआ हमारा। कोई शासन प्रशासन तरफ से कोई आदमी आया? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, हम हमारे बच्चों को लेके चले गए, बाकी सारा सामान हमारा यही चले गया। कितने का अनुमान नुकसान हुआ आपका? आपका नाम? परवीन इरफान। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? हमारा घर पूरा डूब चुका है, हमारे घर में कोई सामान नहीं बचा और कोई राशन नहीं है खाने पीने के, हमारे पीने तक का पानी नहीं है हमें मिल रहा है। शासन प्रशासन तरफ से कोई राहत? कुछ भी नहीं मिला हमें, तभी तक कुछ एक गिलास पानी तक नहीं मिला उनके लिए। अब हम भागने के लिए हमारे बच्चों को लेकर, हमें कौन बचाता, हम नहीं आते तो कोई अधिकारी वगैरह कुछ है? कुछ भी नहीं आया, कोई पूछने के लिए भी नहीं आया, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आपके बच्चे कैसे, आप निकले कि नहीं निकले या फिर बह गए, गेहूँ आटा कुछ भी नहीं बचा पाए, सिर्फ बच्चे लेकर हम निकले हैं, अब हमने क्या खाना, क्या पीना और क्या बच्चों को रखना और कहाँ रहना। कितने टाइम से लाइट नहीं है? लाइट को जाने को 5-6 दिन होने में आ गए, लाइट कब से बंद हो गई थी, पानी गिरना चाहिए। प्रशासन ने कल ही टीम गठित कर दी थी, हम रात के 11 बजे तक बैठे थे। टीम गठित करने के बाद टीम को ब्रीफिंग भी की गई थी कि किस तरीके से हर वार्ड में 9 वार्ड जो कि प्रभावित हैं उनमें टीम जाएगी, जिसमें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल थी, जिसमें कि शिक्षक शामिल हैं, जिसमें कि सचिव, पार्षद और पार्षद प्रभारी इन सभी को हमने लिया है। इनकी टीमें वार्ड में हर घर में जा रही हैं और हर घर में हमने एक फॉर्मेट बनाया है जिसमें कि ये लिखा है कि आदमी को अगर मकान है तो वो कच्चा है, पक्का है, क्षति कितनी हुई है और उसकी अन्य वस्तुओं की क्षति कितनी हुई है, अगर उसके पास कोई बोर्ड थी, उसके पास कोई बर्तन थे, उसके पास अनाज था वो कितना बहा है, उसका वो जो भी ब्यौरा लिखवाना चाहता है अनुसार, और जो हमारी टीम गई है वो देखेगी एक बार, उसके अनुसार वो लिखेंगे और फिर उसका हम अकाउंट नंबर भी ले रहे हैं और RBC 64 के नियम के तहत एक तो जो कि राहत राशि मिलती है वो मिलेगी। और इसके बाद लोगों की मांग है कि NVDA के द्वारा दोबारा सर्वे हो, वो उसकी बात शासन से चल रही है और इस उस पे के विषय में मैं अपने लेवल पे अभी कुछ नहीं कह पाऊँगा, तो अभी हमारे ये काम कर रहे हैं। और ऊपर से इस टीम को सुपरवाइज करने के लिए हमने नोडल ऑफिसर्स बनाए हैं, नोडल ऑफिसर्स के ऊपर नायब तहसीलदार, मैं, SDM और हम सब भी इस टीम को अभी दौरा करके आए हैं, तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से काम कर रही हैं और होपफुली कल तक हमारा धर्मपुरी नगर परिषद का तो सर्वे कंप्लीट हो जाएगा, हम रिपोर्ट ऊपर भेज देंगे। बाकी के गाँव में भी सर्वे नोडल ऑफिसर्स RI के अंडर में स्टार्ट हो गया है सर। Subscribe now to most exciting channel ever.